प्रणाम। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो अपॉलोजीज़ कि मैं आज पर्सनली वहाँ नहीं आ पाई। मेरा बेटा मनन अभी छोटा है एंड उसके साथ ट्रैवल करना डिफ़िकल्ट होता है। आज जो वर्कशॉप डॉक्टर अनूप कोठारी अंकल ने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये फोकस करता है मेनली फिज़िकल हेल्थ पे, जो डायबिटीज़, ओबेसिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मेंटल हेल्थ का क्या कनेक्शन है, तो हमारे टॉपिक का रिलेशन यहाँ पे इस तरह से है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसमें हेल्थ का डेफिनेशन इस तरह से है कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो हेल्थ में सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ का आपस में जो रिलेशन है, शायद हम पूरा डिटेल में तो नहीं कवर कर पाएंगे नेक्स्ट 10 मिनट्स में, बट लेट्स ट्राई एंड फोकस ऑन अ फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो ट्रिगर्स हैं जहाँ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स अफेक्ट करते हैं हमारे फिजिकल हेल्थ को। द फर्स्ट वन इज समथिंग दैट ऑल ऑफ यू हैव हर्ड, स्ट्रेस। आप स्ट्रेस को कई नामों से जानते हैं, कोई उसको टेंशन बोलता है, किसी के लिए उसको ओवर थिंकिंग ये नाम है। साइकियाट्री के टर्म्स में कई बार जब हम इन तकलीफ को, स्ट्रेस को देखते हैं, तो वी कॉल इट एंग्जाइटी। हाउ एग्जैक्टली डज स्ट्रेस अफेक्ट द फिजिकल हेल्थ? सो मैं बेसिकली बॉम्बे हॉस्पिटल में कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ एंड हम लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस ये पेशेंट्स को रेगुलरली देखते हैं। एक कंसिस्टेंट चीज़ जो हमने नोट की है, ये है कि कई बार जब स्ट्रेस के पेशेंट्स, डिप्रेशन के पेशेंट्स, एंग्जाइटी के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनका वेट बाकी लोगों से ज़्यादा होता है। उनका फिजिकल एक्टिविटी लेवल जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कम होता है। वी हैव नोटेड कि उनके ईटिंग हैबिट्स भी कई बार अनहेल्दी होते हैं। क्या कनेक्शन है? कनेक्शन यहाँ पर है अ हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल। नाउ ऑब्वियसली डॉक्टर मधुर आपको जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है वो हार्मोन के स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरह बता पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक चीज़ पर स्ट्रेस करना चाह रही हूँ। हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, विच अफेक्ट्स आर ब्लड शुगर लेवल। ये अफेक्ट करता है हमारे बॉडी वेट को। दिस अफेक्ट्स आर बॉडी मेटाबॉलिज्म, मतलब किस स्पीड से हमारा फैट बर्न हो रहा है। ये हमारे सॉल्ट लेवल को, जिससे इवेंचुअली हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, इसको भी अफेक्ट करता है कॉर्टिसोल। इन सारी चीज़ों को हमारे फिजिकल हेल्थ में, इन सारी चीज़ों पे इफेक्ट करता है। एंड कॉर्टिसोल के ऊपर इफेक्ट है स्ट्रेस का। व्हेन अ पर्सन इज अंडर स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, उस समय कॉर्टिसोल लेवल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं एंड दैट फर्दर लीड्स टू द फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स। द अदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ जो फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट रखता है, दैट इज स्लीप। हम सब ये जानते हैं कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप इज़ एसेंशियल फॉर यू नो गुड फंक्शनिंग, हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहने के लिए। फिजिकल हेल्थ पे इसका जो इम्पोर्टेंस है, ये शायद कई बार हम लोग नहीं जानते। एक एग्जांपल देती हूँ। करीब 10-15 दिन पहले एक अराउंड 45 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन रायपुर से थे, वो उनका कंसल्टेशन हुआ। आजकल कोविड की वजह से ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू है। तो जब वो कंसल्टेशन के लिए आए, उन्होंने बताया कि भाई मेन प्रॉब्लम्स जो हो रही है वो है कि बहुत गुस्सा, चिड़चिड़ापन, वेट बहुत बढ़ गया है। लॉकडाउन में आई थिंक 10-10.5 किलो उनका वज़न बढ़ गया था। उनकी वाइफ कंप्लेन कर रही थी कि भाई उनको इतनी बार कहती हूँ फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए, नहीं करते हैं, सारे दिन बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं आजकल। तो एक पहले बता दूँ कि साइकेट्रिक कंसल्टेशन में होता ये है कि भाई हम सबसे पहले जिसको तकलीफ़ है उससे बात करते हैं, पूरा डिटेल में समझते हैं। फिर जो रिलेटिव साथ में आए हैं उनसे पूरा डिटेल में समझते कि इशू क्या है। तो इनका पूरा इवैल्यूएशन जब हमने किया, जब हिस्ट्री मैंने पूरा लिया, पूरा इवैल्यूएट किया डिटेल में, आई रियलाइज्ड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। अब आप कहेंगे कि डिप्रेशन में तो इंसान मायूस, गुमसुम होना चाहिए, भूख, नींद, प्यास सब उड़ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। देर इज समथिंग कॉल्ड अटिपिकल डिप्रेशन, जिसमें एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज़ें होती हैं। सो बेसिकली अटिपिकल डिप्रेशन में अ पर्सन विल स्लीप मोर, उनका भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वेट गेन हो जाता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन होने लगता है। अब यहाँ आप देखिए कनेक्शन।
कि डिप्रेशन जो प्योरली एक साइकोलॉजिकल इशू है, एक मेंटल हेल्थ कंसर्न है, ये फिजिकल हेल्थ पे कितना कितना स्ट्राइकिंग इफेक्ट ला रहा है. सो ऑब्वियसली वी हैव रियलाइज्ड कि भाई मेंटल हेल्थ का फिजिकल हेल्थ पे बहुत गहरा रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, स्लीप, हमारा पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं. तो नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन टू कीप आर मेंटल हेल्थ इन चेक, टू कीप आर मेंटल हेल्थ गुड, एक दो या तीन सिंपल पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो शायद आज के हमारे स्टॉक के टेक होम मैसेजेस होंगे आपके लिए. फर्स्ट थिंग इज़ कि स्लीप को रेगुलराइज करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड स्लीप हाइजीन. स्लीप हाइजीन में आप सभी जानते हैं कि भाई स्लीप का ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक 7 to 8 hours ऑफ स्लीप पर डे इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर अ यंग एडल्ट टू फंक्शन नॉर्मली. ड्यूरेशन के अलावा और ड्यूरेशन के ही जितना इक्वली इम्पॉर्टेंट है द टाइमिंग ऑफ योर स्लीप. देखिए बेसिकली हमारे बॉडी में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो हमारे स्लीप वेक साइकिल, हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है. जब तक स्लीप वेक साइकिल या आपके सोने और उठने का टाइम रेगुलर ना हो, एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं हो आपके सोने उठने का, उस समय तक ये हार्मोन इम्बैलेंस रहता है. फॉर एग्जांपल कई बार ये होता है कि वीकेंड है, छुट्टी का दिन है, 2-3 बजे तक भाई कोई मूवी देख लेंगे, गेम्स खेलेंगे एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10-11 o'clock को उठ जाएंगे. तो स्लीप का ड्यूरेशन तो नॉर्मल हो गया, 7 to 8 hours स्लीप तो हो गई, लेकिन द टाइमिंग वॉज रॉन्ग. सो स्लीप हाइजीन में इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट द ड्यूरेशन एज वेल एज द टाइमिंग ऑफ योर स्लीप. ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, जैसे जिस समय तक आपको नींद नहीं आए तब तक आप बेड पर नहीं जाए. नाउ अपार्ट फ्रॉम स्लीप, कमिंग टू द स्ट्रेस एस्पेक्ट, हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस सो दैट आपकी फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट नहीं हो. वन वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव टिप हियर इज माइंडफुलनेस. जनरली जब मैं माइंडफुलनेस बोलती हूँ तो कई लोगों को दिमाग में वो पिक्चर आ जाता है कि एक बड़े शांत जगह पे कोई योगा के पोज में एक इंसान बैठ कर मेडिटेशन कर रहे हैं. बट लेट मी टेल यू, माइंडफुलनेस इज़ नॉट जस्ट दैट. माइंडफुलनेस इज मच मोर देन मेडिटेशन. स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि हम ओवरथिंक कर रहे हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. प्रेजेंट में रहते हुए भी हम या तो पास्ट का सोच रहे हैं या आने वाले फ्यूचर के बारे में वरी कर रहे हैं. माइंडफुलनेस टीचेस यू एग्जैक्टली हाउ टू अवॉइड दैट. इट इज़ बेसिकली लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, नॉट थिंकिंग अबाउट द पास्ट. माइंडफुलनेस आप यू नो वाइल यूर एक्सरसाइजिंग आप माइंडफुल होकर एक्सरसाइज कर सकते हैं. यू आर रीडिंग समथिंग, आप माइंडफुल रीडिंग कर सकते हैं. इवन सिंपल थिंग लाइक आप खाना भी खा रहे हैं तो यू कैन बी माइंडफुल, कैन जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड दिस विल अफेक्ट योर ईटिंग हैबिट्स इज वेल. सो माइंडफुलनेस, अदर थिंग्स लाइक मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये सब चीज़ें भी आपको स्ट्रेस रिलीव करने के लिए हेल्प कर सकती हैं. सो आई थिंक जो एक दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं विच आर गोइंग टू बी योर टेक होम मैसेजेस फॉर टुडे, अगर आप इन सिंपल चीज़ों को फॉलो करोगे तो मेंटल हेल्थ आपका बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, विच विल इन टर्न अफेक्ट योर फिजिकल हेल्थ. ये तो हम सबने सुना है कि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी. एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है. बट प्लीज़ रिमेंबर कि इसका ट्रू है, जब तक माइंड कम्प्लीटली हेल्दी नहीं है तब तक आपका बॉडी भी फिजिकली कम्प्लीटली हेल्दी नहीं रह सकता है. सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी, फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी लाइफ. थैंक यू.